असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल डबल ए एडिट्स आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज फाइबर हाउ कैन वी क्रिएट आवर अकाउंट ऑन फाइबर हाउ कैन वी मेक गिग ऑन फाइबर ये मींस के फाइबर uh, का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं फाइबर पे अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और फाइबर क्या है बेसिकली फाइबर से हम फाइबर बेसिकली है क्या और इसे यूज़ किस तरह से कर सकते हैं तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे सो so, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना सबसे पहले मैं आप लोगों को गूगल पे ले आई हूँ गूगल पे ले आने के बाद सबसे आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता क्या है सबके माइंड में जो क्वेश्चन होगा मेरी फ्रेंड्स ने काफी लड़कियों ने कहा कि इस पर आप कि किस तरह से यूज कर सकते हैं और फाइवर बेसिकली है क्या और इस पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग वीडियो बनाने की बजाय मैं एक ही वीडियो बनाऊ और उसी में आप लोगों को सारी गाइडेंस दूं कि आप लोग किस तरह से एक चीज को बना सकते हैं और किस तरह से जो है अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं सो so, सबसे पहले आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि फाइवर क्या है तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले सोर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पे मैं जस्ट गूगल पे आऊंगी व्हाट इज फाइवर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ और एंटर के आइकन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कि एक पैराग्राफ की सूरत में हमारे सामने बहुत ज्यादा स्क्रीन जो है वो शॉप हो जाएगी पॉपअप हो जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज फाइवर फाइवर इज अ ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर फ्री लांसर सर्विस नेक्स्ट फ्री लांसर्स टू पीपल और बिजनेस इज लुकिंग टू हायर सो बेसिकली फाइवर ये है कि एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है फ्री लांसर्स के लिए फ्री लांसर क्या होता है डिपेंडेंट uh, नहीं बल्कि इनडिपेंडेंट लेबर सो अगर फ्री लांसर के बारे में मैं आप लोग यहाँ पे बताऊँ कि वर्ट इज फ्री लांसर तो यहाँ पे अगर जैसे ही मैंने सर्च किया हर वर्ट इज फ्री लांसर फ्री लांसर हैंडल जॉब फ्री लांसर एक ऐसा इंसान होता है जो के किसी के काम को एज अ रिमोटली हैंडल करता है और उसके काम को करता है मीन्स कि आप लोगों को एक नेट की जरूरत होती है एक लैपटॉप की जरूरत होती है आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में किसी भी इंसान का काम कर सकते हैं जस्ट एक इंटरनेट के थ्रू और अगर आप लोगों को कोई स्किल आती है तो उसके थ्रू तो अब चलते हैं रिवर्स चलते हैं फाइवर की तरफ फाइवर क्या है आप लोगों ने देख लिया होगा ये है फाइवर का जी लोगों और फाइवर को फाइवर क्यों कहा जाता है इसका नेम फाइवर क्यों है तो ये भी बहुत से लोगों के माइंड में या हार्ट में क्वेश्चन होगा कि इसको फाइवर क्यों कहा जाता है वाई तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो वाई इज फाइवर खाल्ट फाइबर ठीक है देखिए बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन था तो उन्होंने सर्च किया हुआ है तो फाइवर टेक्स founded प्राइस अटैच टू ऑल Aviv तो फाइवर को फाइवर नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो, जो, जो कि इसकी मिनिमम जो प्राइस है इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो फाइव डॉलर है तो इस वजह से फाइवर को एक फाइवर का नाम दिया गया है ठीक है क्योंकि फाइबर पे जो भी हम काम स्टार्ट करने लगे हैं तो उसकी जो प्राइस है वो 5 डॉलर से स्टार्ट होगी ना कि 4 डॉलर से या 3 डॉलर से स्टार्ट हो तो पहली प्राइस उसकी 5 डॉलर से स्टार्ट होती है तो इस आपको फाइबर का भी पता चल गया फाइबर क्या है और फाइबर को फाइबर क्यों कहा जाता है ये भी पता चल गया फ्री लांसर अगर आप लोग बनना चाहें फाइबर को यूज करते हो तो आप लोगों को फ्री लांसर का भी पता चल गया है कि फ्री लांसर मीन्स के ऑनलाइन वर्कर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्री लासर फ्री लांसर हम उन्हें बिल्कुल नहीं कहेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू ये सारे काम जो होते हैं वो फेक होते हैं काइंडली आप लोग समझिए ऑनलाइन वर्क में अगर कोई भी आप लोगों से पहले इन्वेस्टमेंट का कहे तो आप लोगों ने कभी नहीं करनी क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं वो फेक होते हैं तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल फाइवर ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये रियल हैं ये ठीक है रियल पर्पज पे बेस्ड करती हैं हमारी स्किल्स अगर हमारे पास कोई होगी तो हम अर्निंग कर सकते हैं अदरवाइज हम अर्निंग नहीं, नहीं कर सकते तो ये रियल वेबसाइट हैं आप लोग इनके अलावा किसी और वेबसाइट पे काइंडली ना जाया करें और ना ही मैं किसी और वेबसाइट को प्रेफर करती हूँ कि आप लोग उस पर काम करें मेरा जो बेसिकली ज़्यादा टाइम गुजरा है वो फाइवर के साथ है और मैं ज़्यादातर फाइवर पे ही न होती हूँ बाकी वेबसाइट को मैंने यूज़ किया बट ज़्यादा प्रेफर मैं फाइवर को करती हूँ वो भी अच्छी है सारी अच्छी हैं बट मैंने अभी तक जो ज़्यादा यूज़ किया है वो फाइवर को ही यूज़ किया तो इस वजह से मैं फाइवर को रिकमेंड करती हूँ बाकी चीज़ों को भी रिकमेंड करती हूँ अपवर्क को भी करती हूँ पैनी अपवर्क को भी करती हूँ फ्री को भी करती हूँ और बी को भी करती हूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी हर चीज तीन चीजों के बारे में आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे चौथी चीज अब जो है जो मेन पॉइंट हमारा इस वीडियो का है कि हम अगर अर्निंग करना चाहें हमारे पास स्किल भी है तो हम किस तरह से जो है वो फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं तो फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने काइंडली ध्यान से देखें और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी क्योंकि मैं यहाँ पे आज आप लोगों को सारा कुछ बताने जा रही हूँ तो मैंने खुद सीखा अपनी जिंदगी में वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइवर से आप लोग फाइवर पे अकाउंट सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप लोग कैसे बना तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना क्या है फाइवर मैंने फाइवर लिखा जस्ट आप लोगों ने एंटर किया है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइबर फीलर सर्विसेज मार्केट प्लेस इनकी जो रियल वेबसाइट है वो शो होगी और आप लोग ने जस्ट उस उसपे क्लिक कर देना है उस उसपे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो के है वो ओपन हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइंड द परफेक्ट फील आंसर

मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल्स है इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी तो यहाँ पे सबसे पहले फाइबर बिजनेस को हमने नहीं देखना एक्सप्लोर को नहीं देखना इंग्लिश को नहीं देखना पी को नहीं देखना और साइन इन को नहीं देखना साइन इन हम क्यों करते हैं अगर हमारा अकाउंट पहले ही बना हो तो हम लोग साइन अप पे क्लिक नहीं करते साइन इन पे क्लिक करते हैं ठीक है क्योंकि अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हमें जस्ट साइन इन पे क्लिक करने की जरूरत है ना कि साइन अप पे। साइन अप अप पे वो लोग करते हैं जो न्यू होते हैं जिन्होंने इस को कभी यूज ना किया हो और वो पहली बार करने लगे यहाँ पे हमसे पूछता है बिकम अ सेलर और बिकम अ बायर तो सेलर क्या होते हैं जिसने अपनी चीजें सेल करनी है तो हम यहाँ पे एज अ सेलर काम कर रहे हैं या एज अ बायर आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे इतना आप लोग बताएं और मैं भी आप लोगों को आप लोग ने वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट कर देना सेलर। सेलर चीजें सेल करनी है हमें अपनी गीस की जो आ, हमने स्किल सीखी है वो सेल करके मनी अर्न करनी है हमने ठीक है तो हम यहाँ पे सेलर बनेंगे ना कि हम बायर बनेंगे बायर वो होता है जो हमारी चीजों को आके पसंद करे हमारी शॉप पे आए हमारी चीजों को देखे उसे अच्छी लगे और वो वो चीज लेके चल आ जाता है तो आ, मुझे उम्मीद है कि आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अल आंसर और एंड अ बायर सो पे अब हम आ जाते हैं ज्वाइन पे तो फाइवर ने ऑप्शन दिए हैं दो या आप लोग साइन इन करें या आप लोग ज्वाइन के आइकन पे क्लिक करें

अपना सेल क्या करेंगे फाइवर पे तो जस्ट आप लोगों ने पहले फाइवर की बनानी है आप लोगों ने स्किल सीखनी है ठीक है स्किल भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी के बाद मेरा एक कैनवा का कोर्स आएगा तो कैनवा की चीजें मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी कैनवा पे आप लोग किस तरह से कैनवा पे कितनी सर्विसेज कितनी स्किल्स हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जो है फाइवर को ज्वाइन किया पे क्लिक करना है सबने स्किल सीखने के बाद ठीक है अब ये लोग ज्वाइन के आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ ये लोग मुझे कहते हैं एंटर योर मेल सबसे पहले फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए हमें मेल की जरूरत पड़ती है अब काफी लोग यहाँ पे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि मेल क्या होती है आप लोग माइंड मत कीजिएगा मेल काफी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता और बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता है तो मेल होती है बेसिकली मीन कि आप लोग काफी अकाउंट्स पे देखते हैं इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट देखें तो वो कहती हैं कि पीआर PR पैकेजेस के लिए यहाँ पे कॉन्टे कॉन्टैक्ट करें हमसे हमारी मेल ये है ईमेल आईडी लिखा होता है ना ईमेल आईडी आई डी जैसा किश्रा घोषाल एट जी मेल डॉट कॉम और शाहरुख खान एट जी मेल डॉट कॉम तो ये वाली मेल्स होती हैं एट जी मेल डॉट कॉम एट जी मेल डॉट कॉम तो आपकी मेल जो भी है आप वो एंटर करें मेरी जो मेल है मैं वो एंटर करूंगी ठीक है यहाँ पे मैं अपनी मेल एंटर करती हूँ जी तो व्यूवर्स मैंने यहां पे अपनी मेल जो है वो एंटर कर दी है और उसके बाद ये लोग मेल एंटर करने के बाद मुझे कह रही हैं कि चूज आ यूजर नेम मुझे वो क्या कह रहे हैं चूज अब आप लोगों के माइंड में आई आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के माइंड में आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यही क्वेश्चन होगा कि यूजर नेम अब क्या होता है यूजर नेम वो होता है जो आपका क्लाइंट आपसे मुखातिब होगा उस से ठीक है जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप पे अगर देखेंगे कि किसी अनोन नंबर का आपको मैसेज आता है तो उसके अबाउट में अगर आप लोग जाएं तो वहां पे उन्होंने कोई ना कोई नाम लाजमी लिखा होता है तो आप लोग वहां से उसी नाम से उसको जो है वो आप लोग बुलाते हैं मुखातिब होते हैं उसी नेम से जैसा कि हर किसी के अकाउंट पे कभी किसी के अकाउंट पे कुछ लिखा है किसी के अकाउंट पे कुछ लिखा होता है सबने तो ज्यादातर लोगों ने सेवेंटी टू एटी परसेंट लोगों ने अपने नेम ही लिखे होते हैं तो यूजर नेम वही होता है यूजर नेम के जो बंदा यूज कर रहा है उस अकाउंट को उसका नेम वो आप लोग क्या प्रेफर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी नाम प्रेफर करूं मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर का अकाउंट बना रही हूँ ये ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है तो मैंने सोचा कि ना अकाउंट बनाते बनाते आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दू अकाउंट तो बनाना ही है और वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल जो गाइडेंस है वो मिल जाए तो चूजर यूजर नेम ये लोग मुझे कह रहे हैं तो मैं जस्ट यहाँ पे नेम लिखती हूँ तुम पर अब्बा जैसे ही मैं लिखती हूँ ये लोग मुझे कह रहे हैं लाइक दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन प्लीज पिक न्यू वन तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर नेम है ये पहले ही किसी ने ले लिया है किसी कोई इस नाम से पहले ही बैठा है फाइवर पे तो आप लोग काइंडली कोई और चूज करें तो मैंने कहा इट्स ओके तो मैं जैसे इसके आगे अगर वन लगा दू या टू वन थ्री लगा दूँ तो ये लोग मेरे नेम को कहेंगे कि आपका जो नेम है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इस ना इस नेम से कोई भी नहीं है फाइवर पे इस यूजर नेम से यूजर नेम एक ही होता है ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग जाएं तो हर किसी का यूजर नेम अलग अलग होता है पूरे वर्ल्ड में अलग ही होता है ठीक है तो यहाँ पे सुबह बास टू वन थ्री जो है मैंने फाइवर का यूजर नेम चूज कर लिया है उसके बाद अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज करूँ तो वो भी मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा देती हूँ आप लोगों ने अपने नेम का कोई भी पासवर्ड रख लेना है मैंने यहाँ पे जो है वो पासवर्ड चूज कर लिया है और यूजर नेम भी चूज कर लिया है आप लोगों ने चूज करना है एट करेक्टर और लोंगर कम्बाइन अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स ठीक है लोअर केस और अपर केस ये बता रहे हैं कि उसमें अल्फाबेट भी होने चाहिए स्मॉल अल्फाबेट भी और बिग अल्फाबेट भी होने चाहिए करैक्टर्स वगैरह भी होने चाहिए और एबीसी वगैरह भी होनी चाहिए तो मैंने उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो कि है वो लगा दिया है पासवर्ड तो पासवर्ड मैं एग्जांपल भी दे देती दे हूँ किस तरह का कह रहे हैं वो पासवर्ड इस तरह का कह रहे हैं मीन्स के पहला वर्ड हमारा हो बड़ा बाकी हमारे हो दो तीन छोटे फिर हमारा हो फोर फाइव सिक्स इस तरह फिर हमारा हो ऐसे करेक्टर्स वगैरह जो होते हैं ठीक है डॉलर्स के साथ इस तरह का हमारा जो है वो पासवर्ड होना चाहिए तो हमने उनके रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे पासवर्ड भी लगा दिया है उसके बाद जस्ट मुझे करना क्या है ज्वाइन के आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वो थोड़ी सी सर्चिंग लेगा और उसके बाद जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट कर देगा अभी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ अभी बहुत सी स्टेप्स जो हैं वो बाकी हैं अभी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ आहिस्ता आहिस्ता होगा टू और थ्री स्टेप्स हैं उनमें हमारा अकाउंट इंशाल्लाह क्रिएट तो यहाँ पे अब लोग ये हमें कह रहे हैं सुम्बल अबास यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट तो इन्होंने अब इस मेल का जो मतलब है काइंडली होर्स सुने कि एक्टिवेशन के अकाउंट को एक्टिव करेंगे पब्लिक करेंगे अभी सिर्फ प्राइवेट है हमारा अकाउंट अकाउंट पब्लिक तभी होगा जब हमें जो मेल इन्होंने हमें सेंड की है उस पर हम जाके क्लिक करेंगे अपने अकाउंट को ऑटोमेटिकली खुद ही बल्कि एक्टिवेट करेंगे ना कि कोई और करेगा तो जब तक हम उस मेल को चेक करके उसको एक्टिव नहीं कर देते तब तक हमारा अकाउंट जो है वो पब्लिक नहीं होगा अकाउंट पब्लिक नहीं होगा तो सिंपली सी बात है हमें इतना बड़ा उन्होंने गाइड किया है एक्टिवेट योर अकाउंट तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो मेल सेंड कर दिया वो कह रहे हैं रीसेंड नो

जीमेल ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है वेट करना होगा कि यहाँ पे फाइवर का कोई नोटिफिकेशन मुझे आया है या नहीं तो यहाँ पे जो है मुझे फाइवर का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है और इसके बाद ये यह लोग यहाँ पे जो मेल भेजते हैं उसमें उन्होंने ऐसे लिखा होता है यू आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्टर जस्ट कंफर्म योर मेल यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ अकाउंट टू एक्टिवेट इट प्लीज क्लिक है ई मेल एड्रेस तो हमारी ई मेल को वेरीफाई करने के लिए हमारे अकाउंट की जो है हमें ई सेंड करते हैं और हमें कहते हैं कि एक्टिवेट योर अकाउंट अगर हम खुद इसे एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट पब्लिक नहीं होगा बल्कि प्राइवेट रहेगा जस्ट मैंने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली सबको शो होने लग गया है अब जस्ट हमें इसे बिकमिंगा सेलर पे क्लिक करने के बाद सेलर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फॉलो करना है Account successfully activated. Hi, this is a great time to edit your profile. ये अब हमें कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करें करेंश करें मींस के फॉर uh, एग्जांपल अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं मेरे व्यवर्स अगर इंस्टाग्राम के बारे में तो सबको पता होता है इंस्टाग्राम में आप लोगों को थ्री और फोर स्टेप्स करने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट करने के लिए ठीक है द फर्स्ट वन इज यू हैव टू अपलोड योर प्रोफाइल फोटो एंड द सेकेंड वन इज यू हैव टू अपलोड योर बायो एंड द थर्ड वन इज यू हैव टू अपलोड योर फर्स्ट स्टोरी एंड द फोर्थ वन इज़ यू हैव टू अपलोड योर फर्स्ट पोस्ट एज वेल सो ये फोर थ्री स्टेप्स होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप लोग ना भी करें तो इट्स ओके कोई मसला नहीं है बट करने पड़ते हैं अपनी मेल्स को करने के लिए प्रोफेशनल लुक देने के लिए तो यहाँ पे यही काम है हमें अपनी डीपी वगैरह लगानी है आप आसान लफ में अगर आप लोगों को कहूँ डी या प्रोफाइल फोटो तो अब हम लोगों से यहाँ पे पूछते हैं आप लोगों ने क्या बनना है सेलर यहाँ से हमें, हमें पे काम करना चाहते हैं ना कियर एस अर तो कोई भी नहीं चाहेगा की मैं काम करूँ तो यहाँ पे हम बी कम सेलर पे क्लिक करेंगे क्योंकि सब लोग बीकॉमर्स सेलर पे ही क्लिक करते हैं जिन्हें अर्निंग करनी है तो जैसे ही मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे इतनी प्यारी वीडियो स्लाइड शो में ओपन हो गई है आप लोग देख सकते हैं कि सब कैसे काम कर रहे हैं तो इसी तरह से काम आप लोगों को करना है अपने फाइवर की जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है वर्क योर वे यू ब्रिंग द स्किल यू वी विल मेक अर्निंग ईजी जस्ट आप लोग हमारे पास स्किल होनी चाहिए हम लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं विदाउट स्किल यू कॉन्ट डू एनी थिंग स्किल इज अंपोर्टेंट पार्ट टू अर्न मनी

वही तो तो करने, हैं, करने हैं जो बता रहे हैं हमें सबसे पहले सेलर बनानी है और उसके बाद हम गिग बना सकेंगे और गिग को पब्लिश करने के बाद हमारा जो बिजनेस है वो स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद वट मेक्स असफुलस्ट इमेशन मैटर्स ऐसी प्रोफाइल हमने बनानी है जो कि फाइवर के इतने ज़्यादा क्राउड इतनी ज्यादा स्किल्स लोगों ने बनाई हुई हैं उसमें हमारी फाइवर की पे जो गिग है वो फर्स्ट पे शो हो फर्स्ट पेज पे शो हो बहुत से पेज होते हैं फाइवर पे ए, ए फर्स्ट पेज पे फाइवर पे थर्टी टू फोर्टी गिग्स जो हैं वो शो होती हैं ठीक है टेक योर टाइम इज क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वॉन्ट इट टू बी ये लोग हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल गिग अपने uh, और ये जैसी आप लोग बना चा, बनाना चाहते हैं वैसी बनाएं और टाइम को तो मैनेज करते हुए ठीक है जितना आप लोग ज्यादा टाइम देंगे एक चीज को उतनी ही वो अच्छी बनेगी एड लिंक आउट योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क जो स्किल आपने सीखी है उस स्किल को मैंशन करें Put a face to your टू योर नेम अपलोड पिक्चर that clearly शोज your फेस अगर आप लोग अपना फेस की वीडियो पिक लगाना चाहते हैं तो लगाएं लेकिन अगर आप लोग नेट से कोई भी पिक उठाएंगे तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा क्योंकि एज आर पे होते हैं हैं जो काम करते हैं। तो आप लोगों ने नेट से बिल्कुल कोई पिक नहीं उठानी खुद ही बनानी है अगर आप लोग अपनी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अदरवाइज आप लोगों नेट से नहीं उठानी वरना कॉपी क्लेम का आप लोग शिकार हो सकते हैं और आप लोगों को पहली वार्निंग आ सकती है एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दू कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले अगर आप लोगों को फाइवर पे तीन वार्निंग्स आ जाए तो आपका अकाउंट जो है वो डेल हो जाता है तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है डीएक्टिवेट आपका अकाउंट कर दिया जाता है परमानेंटली ब्लॉक आपका अकाउंट कर दिया जाता है कहा ब्लॉक कहा जाता है बट आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है तो टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरी वन वी मे आस्क टू वेरीफाई योर आई ये हमारी आईडी भी वेरीफाई करते हैं जब इनका दिल करे जब इन्हें लगे कि आईडी वेरीफाई करनी चाहिए आईडी वेरीफाई ऐसी होती है वो हमें हमारी एक सेल्फी मांगते हैं। तो वो जस्ट फाइबर भी होता, है, हमारे होता है।, हमें अपनी पे जैसे है वैसे ही लेके हमें सेल्फी उन्हें सेंड कर देनी होती है और टू और थ्री सेकंड में जो है वो हमारे लिए हमारी जो आई डी है वो वेरीफाई हो जाती है okay? नोटिफिकेशन चला गया तो इसके बाद जस्ट आप लोगों ने कंटिन्यू किया आइकन पे क्लिक कर देना है मैं हर चीज़ आप लोगों को बड़ी डिटेल से बता रही हूँ और कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चलिए इट्स ओके कोई मसला नहीं है तो यहाँ पे आप नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टेयर क्लियर ऑफ योर सक्सेस ऑन फाइवर इज इम्पोर्टेंट टू अस अवॉइड द फॉलोइंग टू कीप इन लाइन विद आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और And accurate information about your identity, opening duplicate accounts, member, you can always create more gigs. So, request them to take communi uh, communication and payment outside of Fiverr. तो ये चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं कि हमें इस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है ये चीज़ें हमें नहीं बनानी आ, हम अपने किसी भी क्लाइंट को आउट ऑफ फाइवर नहीं लेके जाएंगे और ना ही हम डुप्लीकेट अकाउंट्स यूज़ करेंगे और ना ही हम जो कि मिसलीडिंग लीडिंग इंफॉर्मेशन है वो फाइवर पे आके शेयर करेंगे ठीक है तो यहाँ इन चीज़ों से आपने बचना है आपने पेमेंट मेथड जो है वो फाइवर के किसी भी क्लाइंट को नहीं बताना कि हमें कैश ट्रांसफर कर दे मनी या पेनी में ट्रांसफर कर दे या इमिटली के थ्रू कर ठीक दे। देने ये चीज फाइवर के में क्लाइंट को नहीं अगर क्लाइंट आपका फाइवर पे आता है तो काइंडली कोशिश करें वो ऑर्डर जो है वो फाइवर पे ही लें आउटसाइड आप लोगों ने फाइवर से नहीं लेना इस तरह फाइवर को पता चल जाता है वो नेक्स्ट टाइम हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देती है परमानेंटली करें या टेम्प्रेरी करें वो परमानेंटली ही होता है इसके बाद जस्ट आप ने कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक करना है कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है यहाँ पे सबसे पहले वो लोग हमसे पूछते हैं फुल नेम तो जो मैंने पहले एंटर किया था वही करना है फुल नेम यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगी सुबर और यहाँ तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट नेम जो है वो चूज कर लिया है इसके बाद ये लोग मुझे कह रहे हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करें तो बेसिकली मैं अपनी रियल पिक्चर तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं वेल करती हूँ तो यहाँ पे जो लगाऊंगी लगाऊंगी मैं मैं वो मैं तो वो खुद करके तो को करने के लिए मुझे यहां पे करना करना क्या है Canva को करना है को पे बहुत सारे डिजाइन जो है वो पड़े होते हैं और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज कर सकते हैं ठीक है कैनवा इज एन ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म डेट इज यूज टू क्रिएट अगर कैनवा पे हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं लोगो डिजाइन कर सकते हैं टी शर्ट डिजाइन कर सकते हैं वीडियोस डिजाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया की एवरी पोस्ट हम लोग यहाँ पे आके डिजाइन कर सकते हैं जस्ट आप लोग ने यहाँ पे करना क्या है कैनवा के आइकन भी क्लिक करना है कैनवा पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया अगर आप लोगों का अकाउंट बनाओ हो तो आप लोगों ने लॉग पे क्लिक करना है अगर नहीं बना तो जस्ट साइन करें या आप लोगों के सामने एक पॉप अप शो हो जाता है कि कंटिन्यू एज आप लोगों के अकाउंट के कंटिन्यू एज गूगल अकाउंट तो जस्ट आप लोगों ने कंटिन्यू एज पे क्लिक कर दिया है उसके तो बाद क्लिक करने के बाद जस्ट आप लोग से कंफर्मेशन मांगता है तो आप लोगों ने कंफर्म कर दिया कंफर्म तो करने के बाद ये आपका जो अकाउंट है वो कैनवा से लिंक कर देता है और उसके बाद आप लोगों से ये साइन साइन इन या अप का ऑप्शन नहीं मांगेगा क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी गूगल के साथ हमने उसको लिंक कर दिया है उसके बाद हमारा जो अकाउंट है कैनवा हमारे सामने शो हो जाता है और इसके बाद फिर हम कैनवा पे जो है वो गिग्स वगैरह जो अपनी पिक्चर है वो डिजाइन कर सकते हैं अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कैनवा क्यों यूज कर रहे हैं वट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर तो आप लोग स्टूडेंट पे क्लिक कर दें टीचर पे क्लिक कर दें या जिस पे मर्जी तो मैं स्टूडेंट पे क्लिक कर देती हूँ आप लोग भी कर दें कोई मसला नहीं है यहाँ से प्रोफेशन डेवलपमेंट पे क्लिक कर दें और टू टू थ्री स्टेप्स जो है वो पूछते हैं बट यहाँ पे जब मैं जस्ट स्किप करूंगी और आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं तो आप लोग ये लोग हमें कह रहे हैं कंग्रेचुलेसन so, जो है अकाउंट इज क्रिएटेड ना सो हमारा जो कैनवा का अकाउंट है वो बन चुका है फाइवर की गीत के लिए जो अः uh, फाइवर की प्रोफाइल के लिए जो हमने यहाँ से साइज सेलेक्ट करना है वो तो मुझे खुद नहीं पता जस्ट हम लोगों ने यहाँ से ब्लैंक कोई डॉक्यूमेंट ब्लैंक uh, जो है वो ले ले है यहाँ से जब हम इंस्टाग्राम पोस्ट का ही लेते हैं कोई इंस्टाग्राम पोस्ट तो जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक एंटर uh, करने के बाद मैं जस्ट क्लिक कर देती हूँ उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो शो होने लग जाएंगी बट यहाँ पे मुझे करना क्या है अपनी गिग के लिए अपनी प्रोफाइल फोटो डिजाइन करनी है प्रोफाइल फोटो डिजाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉन्ट देखना है जो कि अट्रैक्ट करे और अच्छा भी लगे और हमें बायर को किसी भी बायर को अट्रैक्ट करे एक ही बार देखते देखने में ठीक है यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाली पिक लेनी है तो ये वाली पिक मैं ले सकू आई थिंक ये पिक जो है वो प्रीमियम है एक और बात मैं आपको बता दें जिस पिक पे इस तरह का डिजाइन बना हो प्रो लिखा हो तो वो प्रो होती हैं वो पैसे देके हम लोग परचेज कर सकते हैं बट जिस पिक पे इस तरह के साइन नहीं हो तो वो क्या होती हैं फ्री होती हैं तो ये एक फ्री एपिक है जिसे मैंने चूज किया क्योंकि इस पिक पे कुछ नहीं बना हुआ था कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैं जस्ट क्लिक करूंगी और इस टेम्पलेट को अपनी मर्जी से तरतीब दूंगी और अपनी मर्जी से बनाऊंगी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैं ये जो इस पिक को एडिट करूंगी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो आप लोग भी इसी तरह अपनी पिक को एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँ बी योर बी योर विचुअल असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट जी यहाँ पे मैंने लिखा बी योर व्यूचुअल के मैं आपकी व्यूचुअल इफ यू वांट तो व्यूचुअल के बहुत ज्यादा काम होते हैं कि काफी लोग होते हैं जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते तो व्यूचुअल असिस्टेंट को वो हायर कर लेते हैं जैसा कि एक बहुत बड़े बिजनेस को हैंडल करने के लिए बहुत से लोग उस पर काम करते हैं तो इसी तरह कोई भी लोग हमें आके अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारा काम को डिवाइड कर लें आप हमारे काम को करें हम आपको पर आर इतना चार्ज करेंगे Means हम आपको पर 15 या 20 देंगे, आप हमारे इंस्टाग्राम को मैनेज करें स्टोरी अपडेट करते स्टोरी नहीं हटनी चाहिए पोस्ट डिजाइन करके लगाते एक मंथ का पैकेज भी हो सकता है मैनेज करने का टू मंथ का भी हो सकता है वन ईयर का लक डिपेंड्स बिकॉज लक इज एवरी पे so, मैंने जो फाइवर की प्रोफाइल के लिए जो प्रोफाइल फोटो बनाई है मुझे लगता है ठीक है बट हम इसे अपलोड करके देखेंगे कि ये जो हमारी फाइवर की प्रोफाइल पे है मैच करती है या नहीं करती तो यहाँ पे मैंने पिक बनाई और यहाँ से मैंने शेयर के आइकन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड के आइकन पे क्लिक किया और पिक हमारी डाउनलोड हो गई यहाँ पे आ गई उसके बाद आप लोगों को पिक का जो है वो बैकग्राउंड भी लाजमी चेंज री रीनेम उसे लाजमी किया करे क्योंकि ये एस सी ओ मैटर करती है बहुत ज्यादा हमारी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए और हमारी प्रोफाइल को ज्यादा बारिश के सामने शो करने के लिए तो यहाँ पे मैं वही नाम लिख लेती हूँ बी योर विचुअल असिस्टेंट ठीक है मैंने जस्ट बी योर वर्चुअल असिस्टेंट पिक का जो है वो नेम रखा मैं अपने अकाउंट पे आई तो जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था और यहाँ पे मैंने अपनी जो पिक है इस पे इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ये मुझे कहेंगे अपलोड करें ठीक है तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करती हूँ जैसे ही और डाउनलोड्स में मेरी पिक जो है वो डाउनलोड होके गई है और बी योर असिस्टेंट आप लोग देख सकते थे जब मैं इसको एडिट कर रही थी इसको रीनेम कर रही थी तो मैंने यही नाम रखा था तो आप लोगों को पता है कि यही वाली पिक जो है आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल फोटो एज ऑफ फाइवर यूज करनी है तो जस्ट आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उस पिक पे क्लिक कर देना आप लोग काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लिया करें और काफी वीडियोस देखने के लिए अब देखिए काफ़ी छोटी लग रही है बहुत ज्यादा छोटी लग रही है पिक पिक और मैं को को क्या करूंगी? जस्ट इस को बड़ा सा कर दूंगी ताकि ये पिक हमारी अच्छी लगे ठीक है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया बड़ा कर लिया स्पिक को बड़ा करने के बाद उसी तरह से दोबारा से मैं डाउनलोड करूंगी और कि ये वाली पिक मैं यूज करूंगी दोबारा से तो इस तरह हमारी जो पिक है वो ठीक हो जाएगी तो जस्ट इसी नेम को मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और इसमें जाके पेस्ट कर दिया और जस्ट वन के नेम से ये हमारी पिक को सेव कर देगा अच्छा टू के नेम से इसने हमारी पिक को सेव कर दिया वहीं पे वापस जाएंगे पिक पे क्लिक करेंगे और ये टू वाली जो पिक है उसको चूज कर लेंगे अब पिक प्रोफाइल फोटो जो है वो लग चुकी है आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है कितनी स्मूथली तरीके से बनी है ठीक है यहाँ पे इस पिक को एंटर करने के बाद अब ये लोग हमें डिस्क्रिप्शन मांगते हैं शेयर बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस स्कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज तो यहाँ पे ये यह लोग हमसे कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे लिखें हमें अपने बारे में बताएं या अपने बायर को बताएं क्योंकि कोई भी अगर हमारी प्रोफाइल पे आता है तो इस ये डिस्क्रिप्शन ही बेस करती है यही डिस्क्रिप्शन बताती है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं ठीक है तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं तो ये इतनी सी चीज़ जो है सिक्स का जो पैराग्राफ है वही हमारा मुस्तकबिल वही हमारा फ्यूचर डिसाइड हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि हम क्या क्या, क्या कर सकते हैं और क्या क्या, क्या नहीं जी तो व्यवर्स मैंने जो है वो काफ़ी ढूंढने के बाद एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों के लिए चूज की है यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक और यूट्यूब की तो मैंने जस्ट अभी वीडियो को पास करके आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन जो है वो ढूंढी है और यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी करूँगी नोट से मैंने कॉपी की और यहाँ पे जो है मैंने वो पेस्ट कर दी पेस्ट करने के बाद ये लोग हमें कह रहे हैं फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज डोंट इंक्लूड यू आर आर इन योर डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे कोई यूआरएल नहीं है हमें पता है तो इस वजह से हमें टेंस नहीं होना और जस्ट आप लोग की यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिस्टेक्स इन्होंने हमारी यहाँ पे शो की हैं तो उन मिस्टेक्स को जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ठीक कर लेती हूँ तो ये जो आ, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये जो चीज है किस तरह से हमारे बायो को बताएगी जैसे ही वो इस चीज को पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा ये टिकटॉक को यूट्यूब को मैनेज करती हैं इनका जो अकाउंट है, इनकी जो टीम है वो स्पेशली करती क्या है टिकटॉक की मैनेजमेंट करती है फेसबुक की मैनेजमेंट करती है और इंस्टाग्राम की मैनेजमेंट करती है तो इतनी सी गिग बनाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बैग करती हूँ बैकस्पेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो चुकी है डिस्क्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वो होती है लैंग्वेज ये आपको कौन सी लैंग्वेज आती है बायर आपके साथ किस लैंग्वेज में बात कर सकता है तो वायर जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं नाइन्टी टू एटी परसेंट लोग जो आते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से ही आते हैं फाइवर पे और वो सब लोग उनकी जो इंटरनेट जो उनकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है बेसिकली तो आप लोगों को मैं इंग्लिश ही प्रेफर करती हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश जो है वो ही चूज़ करनी है यहाँ पे जस्ट मैं अगर ई एन जी लिखती हूँ तो इंग्लिश मेरे सामने शो हो जाएगी मुझे इंग्लिश आती है और बेसिक पे अगर आप लोग लगाना चाहें या फ्लुएंट पे लगाना चाहे नेटिव तो हम है नहीं तो आप लोग ने जस्ट फ्लुएंट पे क्लिक करना है या कन्वर्जेशनल पे क्लिक करना है जस्ट मैं यहाँ पे <coughs> फ्लुएंट पे क्लिक कर देती हूँ और इसे ऐड कर देती हूँ इसके बाद जो एक और लैंग्वेज है जो हमें आती है हम सबको पाकिस्तानियों को तो लाजमी आती है वो क्या है उर्दू उर्दू भी आप लोग ने लाजमी सेलेक्ट करनी है क्योंकि कई हिंदी लोग भी हो सकते हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं और ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हमने इसे एज अ नेटिव चूज करना है ठीक है

और कंटेंट मार्केटिंग पे क्लिक कर देती हूँ वेब एनालिटिक्स पे क्लिक कर देती हूँ और अदर्स पे भी क्लिक कर देती हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने जो कि फाइव जो कि चूज कर सकते हैं चूज टू पे जस्ट फाइव स्किल्स हम लोग चूज कर सकते हैं फाइव मेरी हो चुकी हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो यहाँ पे लोग हमें कहते हैं कि कौन से ईयर से आप लोगों ने इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया है तो मैंने 2019 में स्टार्ट किया और 2023 में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया फाइव साल का गैप आप लोगों ने लास्ट में लोग हैं आप लोग 2019 अगर नहीं करते 2017 कर जि, जितना आप ने साल का गैप देना है जितना मर्जी देखा तो मर्जी देख के बारे में अगर आप लोग ये लोग हमसे यहाँ पे पूछते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखते है मेडिया, सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे भी हमने क्लिक कर दिया अब हमारा लेवल पूछते हैं कि आप लोग किस लेवल से इसको मैनेज कर सकते हैं कि आपका इसमें एक्सपीरियंस जो है वो आप एज अ अगिन आपका एक्सपीरियंस है या इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस या आप लोग एक्सपर्ट हैं तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो एक्सपर्ट में जस्ट क्लिक कर देती हूँ और एड क्या क्लिक कर देती हूँ ठीक है अगर न्यूज के अगर आप लोगों को कोई आती है तो आप लोग वो भी एंटर कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे आई टी स्पोर्ट की कर सकते हैं आई टी स्पोर्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं मैं यहाँ पे नहीं कर रही आप लोग नहीं करनी है तो आप लोग कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में हमसे पूछते हैं तो एजुकेशन में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंट्री तो बेसिकली हमारा कंट्री पाकिस्तान है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे जिस यूनिवर्सिटी रख लें आप लोग जो सी यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़े आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे रख सकते हैं तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी जो है वो नेम यहाँ पे चूज कर लिया है जी तो नेम के स्पेलिंग कुछ गलत हो गए थे तो मुझे यहाँ पे करनी है ठीक तो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी चूज होगी है उसके बाद ये लोग हमसे पूछते हैं टाइटल आप लोगों ने क्या किया है तो मैं यहाँ पे जस्ट जो के जिनका मैं अकाउंट बना रही हूँ उन्होंने एम ए किया है तो मैं यहाँ पे जस्ट एम ए लिख देती हूँ मेजर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी तो यहाँ पे मेजर मैं लिख देती हूँ इंग्लिश इंग्लिश मेजर रख दिया इंग्लिश जैसे ही मैंने यहाँ पे रख लिया और इंग्लिश कम्युनिकेशन के बाद इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर अगर आप लोग रखना चाहें तो वो रख सकते हैं ईयर यहाँ पे मैं लिखूंगी मैंने कब कंप्लीट किया मैंने कंप्लीट किया इसको 2022 में यहाँ पे मैं जस्ट 22 टू लिखूंगी और जस्ट एड आइकन पे क्लिक कर दूंगी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास किसी भी कोर्स का है तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो डोंट वरी आप लोग इसको स्किप करके भी आगे चल सकते हैं जस्ट मुझे यहाँ पे ऐड के आइकन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक करने के बाद ये लोग हमें कह रहे हैं आप लोग अपना कोई सा भी एक अकाउंट जो है वो इसके साथ कनेक्ट करें फाइवर के साथ तो हमें फाइवर के साथ सेलेक्ट क्लास में करना पड़ता है अकाउंट के आगे फ्यूचर में हमारे लिए फायदा साबित होता है अगर हम इसे कोनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोफाइल भी आगे नहीं बनेगी तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना फाइवर के साथ गूगल का अकाउंट अगर आप लोग लिंक करना चाहें वो कर सकते हैं थ्री ऑप्शन दे प्रोवाइडिंग एस द फर्स्ट वन इज गूगल एंड द सेकेंड वन इज फेसबुक एंड दर्ड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट तो यहाँ पे हम गूगल uh, uh, से कनेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास भी मेरा गूगल अकाउंट है और उसकी एसेस भी है तो मैं प्रेफर करूंगी आप लोग भी गूगल अकाउंट को कर लें uh, तीन अकाउंट आप लोग एट अ टाइम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो मेरा जो अकाउंट है गूगल का वो वेरीफाइड हो चुका है कनेक्ट हो चुका है तो जस्ट इसके बाद मुझे कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक कर देना है

जी तो वीवर फोन नंबर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक किया तो फोन नंबर का जो कोड है वो मुझे फाइवर ने मेरे नंबर पे एसएमएस एम एस उसके बाद मैं वो कोड जैसे ही यहाँ पे एंटर करूंगी तो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा उसके तो बाद मैंने जस्ट सबमिट पर क्लिक किया तो कंग्रेचुलेशन वेरीफिकेशन कम्प्लीट योर फोन नंबर वॉज वेरीफाइड सक्सेसफुली थैंक यू तो थैंक यू पे क्लिक करने के बाद जस्ट ओके okay के आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत मैटर करता है आप लोगों ने सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से यहां से चूज करना है ठीक है द नेम ऑफ योर फर्स्ट तो यहां पे मैं वीडियो को पास करके अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर एंटर कर देती हूँ आप लोग भी काइंडली एंटर करेंगे जी तो वीवर्स मैंने जो है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर एंटर कर दिया था उसके बाद ये लोग मुझे कह रहे हैं योर फोन नंबर वाज कम्पलीटली सक्सेसफुली वेरीफाइड सक्सेसफुली जस्ट ओके के आइकन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है फिनिश पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी हमारी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है हमारा फाइवर का अकाउंट बन चुका है तो अब हम जो काम करेंगे वो है फाइवर की गिग बनाना के फाइवर की गिग हम कैसे बना सकते हैं योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट नाउ गो अहीड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग टू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विस यू कैन एडिट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एनी टाइम तो जस्ट डन के आइकन पे क्लिक करें और फिनिश के आइकन पे क्लिक करें यहाँ पे आपकी गिग वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों को शो हो चुका है अब यहाँ पे आप लोग अपनी गिग बना सकते गिग बनाने के लिए हमें जरूरत होती है टाइटल की ही तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी तो गिग बनाते हैं चूज क्या करनी है हमें गिग क्या बनानी है हमने अपनी प्रोफाइल कैसे सेट की है कि हम आपको आपका जो है सोशल अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं

तो यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो बहुत मैटर करता है टाइटल वो रखना है हमने जो लोग आके सर्च करते हैं कि मींस कि आई विल मैनेज योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट आई विल हैंडल योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट आई विल आई विल टेक लुक ऑन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट तो इन चीजों को बहुत ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं हमने इस छोटे से टाइटल में बताना होता है एटीन कैरेक्टर्स में हमने अपना डिस्क्राइब कर देना होता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं जी जी तो व्यूवर्स यहाँ पे जो मैंने टाइटल जो है वो चूज किया है कि मैं आपका अकाउंट मैनेज कर सकती हूँ या नहीं तो नोट पैड पे आप लोग देख सकते हैं आई विल बी योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सोशल मीडिया मैनेजर तो मैंने ये टाइटल जो है वो अपनी गेक के, के लिए चूज कर लिया है फिर तो टाइटल चूज करने के बाद जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देना है कॉपी एंड पेस्ट कर देना है उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैटेगरी कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अः लाइफ स्टाइल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रही डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रही हूँ और यहाँ पे जो हमारी आ, सर्विस टाइप है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप लोग मैनेज कर सकते हैं फेसबुक का कर सकती हूँ इंस्टाग्राम को कर सकती हूँ टिकटॉक को कर सकती हूँ और भी बहुत से प्लेटफॉर्म को मैं कर सकती हूँ बट यहाँ पे जस्ट थ्री अलाउ है तो हम जस्ट थ्री पे क्लिक करेंगे मैनेजमेंट टूल हम कौन से यूज करेंगे यहाँ पे हम मैनेजमेंट टूल कोई भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे इंडस्ट्री को अगर मैं चूज करूँ तो आर्ट की कर सकते हैं ब्यूटी की कर सकते हैं एनिमल्स की कर सकते हैं एजुकेशन की कर सकते हैं इन्वायरमेंट की कर सकते हैं इन्वामेंट को छोटे हैं आप लोग फैशन और अपेयर कर लें तो ये अच्छा है ठीक है इसके बाद आप लोग जाए यहाँ पे जस्ट नीचे जैसे ही आप लोग जाएंगे ये हमसे हैश टैग मांगेगा हैश टैग क्या है जो हमारे जो बायर्स हैं वो आके सर्च करेंगे हैश टैग उन्हीं को कहते हैं ठीक है ठीके? तो हैश टैग भी मैंने जो है वो यहाँ पे रख है, लिए हैं आप लोगों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर फर्स्ट हैश टैग इज दैट सोशल मीडिया मैनेजर लोग आएंगे सर्च करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर लिख के तो आप लोग अगर अपना ये हैश टैग चूज करते हैं तो वो लोग बेसिकली अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आपका अकाउंट सब फर्स्ट पे शो होगा इंस्टाग्राम मैनेजर भी कई लोग आते हैं उसे सर्च करते हैं कंटेंट क्रिएटर फेसबुक से भी सर्च करते हैं आके तो आप लोग ये भी लास्ट में एंटर करें आप लोगों ने वो चीजें लास्ट में एंटर करनी है जो आप लोगों का माइंड कह रहा है कि लोग ये यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को ए, किसी भी चीज को सर्च करने के लिए ठीक है फेसबुक मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग यहाँ पे लिख लें या कंटेंट क्रिएटर अगर आप लोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर यूज करती हूँ और कंटेंट क्रिएटर यूज करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगी और ये हमारा जो है वो ऐड हो चुका है द लास्ट वन इज़ दैट फेसबुक मैनेजर फेसबुक मैनेजर अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये भी हमारा फाइव टैग एट अ टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं तो इसके बाद जस्ट आप लोगों ने करना क्या है गिग की आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं हमने कम्प्लीट कर ली हैं तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सिक्स स्टेप्स होते हैं सिक्स स्टेप्स को फॉलो करना होता है और उसके बाद हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो जाती है तो यहाँ पर अब ये हमें कह रहे हैं अपना पैकेज सेलेक्ट करें यहाँ पे थ्री पैकेजेस होते हैं या आप लोग इसे ऑफ करके एक पैकेज भी रख सकते हैं बट थ्री पैकेज मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी थ्री पैकेज अच्छे होते हैं हमारे बायर को अट्रैक्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पैकेज का नेम यहाँ पर रखेंगे बेसिक और यहाँ पे सेकेंड पैकेज का नेम हम यहाँ पे रखेंगे स्टैंडर्ड और थर्ड पैकेज का नेम हम यहाँ पर रखेंगे प्रीमियम तो यहाँ पे डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ यू ऑफरिंग आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल हमारे सामने शो करें यहां पे मैं लिख देती डेज मैनेजमेंट और यहाँ पे, लिख पे लिखा है यहाँ पे हम करेंगे फोर्टीन डेज और यहाँ पे हम करेंगे थर्टीन डेज मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है आप लोग भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्टीन डेज मैनेजमेंट स्टैंड इसके बाद डिलीवरी ये लोग क्या रहे हैं आप लोग कितने डेज में करेंगे ऑब्वियसली अगर हमने सेवन डेज चूज़ किया है कि सेवन डेज की मैनेजमेंट होगी तो डिलीवरी भी हम जो क्लाइंट को डिलीवर करेंगे काम वो सेवन डेज के अंदर ही अंदर करेंगे तो इधर फोर्टीन डेज चूज़ किया है तो फोर्टीन डेज की होगी और अगर इधर डिलीवरी हमने थर्टी डेज की की है तो इधर भी थर्टी डेज की होगी उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आप लोग कितने यूज़ करेंगे यहाँ पे टू ही यूज़ कर रहे हैं अभी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए टू पे क्लिक कर दूँगी टू पे क्लिक कर देंगे ठीक है उसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करेंगे अगर वो लोग चाहें तो हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जस्ट या हम फिर बेसिक में जस्ट उनकी दी हुई चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे और जो स्टैंडर्ड और प्रीमियम हैं उनमें हम उन खुद से भी उनका कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स हम गारंटी नहीं देंगे बट इन होगी जब हम कंटेंट अच्छा क्रिएट करेंगे तो फॉलोअर्स भी में इंक्रीज होंगे और वो आएंगे रिविजन हम जस्ट इन्हें देंगे स्टैंडर्ड में एक देंगे और प्रीमियम में भी एक ही देंगे हम के लिए यहां पे मैंने आप बताया था फाइवर फाइवर क्यों कहा जाता है अगर मैं फोर लिखूँ तो यहाँ पे फोर नहीं लिखेंगे ये लिखें फोर अगर लिख लें तो मेरे चीज को ये रॉन्ग साबित कर देंगे जब मैं सेवन कंटिन्यू करूंगी तो यहाँ पे सेवन डेज मैनेजमेंट के लिए हम ट्वेंटी डॉलर चार्ज करेंगे और यहाँ पे फोर्टीन डेज मैनेजमेंट के लिए हम फोर्टी डॉलर चार्ज करेंगे और थर्टी डेज मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे सेवनटी uh, डॉलर चार्ज कर सकते हैं ठीक है सेवनटी डॉलर चार्ज करेंगे जस्ट सेवेंटी डॉलर पे क्लिक करने के बाद आप लोग इन सारी चीज़ों को आंटिक कर देना है अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कर सकते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप लोग दे सकें तो वो भी दे सकते हैं और उसके लिए फिर हमारी प्राइजेस जो हैं वो है वो बढ़ जाती हैं इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है गिग की डिस्क्रिप्शन का जैसे हमने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन चूज़ की थी ना वैसे ही हमें अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन भी चूज़ करनी पड़ती है कि आप लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो सारा कुछ बताया जाता है तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी कि आप लोग हमारा और आपका टाइम वेस्ट ना हो इस तो वजह से मैंने जस्ट बना के रखी हुई है और मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूंगी और अपने जो कि डिस्क्रिप्शन है उस पर पे पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे मैंने पेस्ट की इसकी जल्दी जल्दी से मैं तरलीब कर देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो आप लोगों ने सर्चिंग लाजमी करनी है मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों की गीव्स वगैरह को सर्च करना है तो आप लोग काफी हद तक आप लोगों जो है आप लोग सर्चिंग में भी माहिर हो जाएंगे और आप लोगों की हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी यहाँ पे मैं जस्ट एंड पे लिखूंगी थैंक्स और जस्ट इसका एक गैप दूंगी मैं ये इसकी सेटिंग कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन की ताकि अच्छी लगे ये और अभी आप लोग वेट करें क्योंकि मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है अब इतने ज़्यादा इसमें गैप हैं वो अच्छे नहीं लग रहे तो इस वजह तो से मैं इन सारे गैप्स को रिमूव कर रही हूँ जस्ट बैक स्पेस पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर हमारा सारा कुछ जो है वह सेटअप होने लगा है बट आई विल डू और थोड़ा सा इधर भी हम एक बैक स्पेस देंगे जी तो हर चीज़ यहाँ पे माई ठीक है तो ग्रीटिंग को अगर हम बोल्ड करना चाहें और इसको लाइट देना चाहें तो देंगे क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी और यहाँ पे टू तो क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड ब्रांड ऑन योर योरफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टिकट इट इज ही इसको भी हम लाइट ऑन करेंगे इस पे और बोल्ड क्लास में करेंगे आ, माई गिट हेल्प यू इसको भी हम बोल्ड करेंगे और लाइट लाइट इस पे रहने देते हैं जस्ट बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं और लाइट में कै रही थी, इस पे रहने देंगे हम और इसको जस्ट बोल्ड करेंगे ठीक है बोल्ड पे क्लिक करने के बाद मैं ये चीजें ठीक कर रही हूँ आप लोग भी किया करें क्योंकि चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं उन्हें क्योंकि अच्छी चीज अगर बनी हो तो काफी अच्छे तरीके से बाइस को जो है वो अट्रैक्ट करती है और लाजमी करती है ठीक है यहाँ पे आप लिखेंगे वट विल आई डू तो हम आपका बायो सेटअप करेंगे बायो का आप लोगों का पता होगा इंस्टाग्राम में जो बायो होता है वो सेटअप करना होता है प्लेटफॉर्म सर्व जिन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का काम करूंगी वो कौन कौन से हैं इंस्टाग्राम है फेसबुक है ट्विटर है LinkedIn इन है प्रिंटेस्ट है या सोशल मीडिया मैनेजर किसी भी अकाउंट के लिए इसका भी जस्ट हम फुल स्टॉप लगा देंगे इसकी मदद से और जस्ट थैंक्स को जो के है वो हम बोल्ड कर देंगे और उसे भी लाइट लाइट पे क्लिक कर देंगे उसकी लाइट पे क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी रेडी हो चुकी है और उसके बाद जस्ट आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू के आइकन पे क्लिक कर देना है फोर्थ स्टेप स्टेप इज़ इज़ ऑल अबाउट वीडियो काफी लंबी होगी है और बहुत ज्यादा लंबी होगी तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी मुझे इसे कवर करना होगा अच्छा जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं मींस के अगर कोई आके ऑर्डर क्रिएट कर देता है कि मुझे इतने डेज की मैनेजमेंट चाहिए तो वो ये नहीं बताता कि क्या करना है तो आप लोग उसे एज ए रिमाइंडर ये जो अपना क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली फाइवर जो है भेज देता है ठीक है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि काइंडली जस्ट प्रोवाइड मी योर इंस्टाग्राम फेसबुक डिटेल्स

<coughs> तो मैटर क्या करता है कि कोई भी जो हम इमेज देखते हैं वो अगर हमें अच्छी लगे तो हम बाय कर लेते हैं अदरवाइज हम बाय नहीं करते तो यही फाइबर का हिसाब है कि आप लोग की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अटैट करती है फाइबर को जिसकी इमेज फाइबर को आ, को अच्छी लगे तो वो उसी इमेज पे अटैच करता है उसी की प्रोफाइल पे अप्रोच करता है ठीक है तो यहाँ पे जो कि हमने फोटो अपलोड करनी है अभी तक हमने कोई फोटो डिजाइन तो की नहीं है बट हम जल्दी जल्दी कैनवा पे जाएंगे और फोटो डिजाइन करेंगे जी तो फोटो डिजाइन करने के लिए जो कस्टम साइज हम लेंगे फाइबर की गि का जो इमेज का जो साइज होता है वो होता है तो मैं नहीं याद किया इस फाइबर की का जो साइज होता है वो सेवन ट्वेल्व एंड फोर थर्टी होता है ठीक है ये साइज होता है जस्ट आप लोग ने साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लेना है और अ न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और हमारे सामने ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास जैसे ही ओपन होगा उसके बाद जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे आना है अपलोड्स पे आ जाना है अपलोड्स पे आने के बाद यहाँ पे मैंने पहले ही इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो इमेज है वो चूज़ की हुई है और इसको जस्ट हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे कर देंगे और टेक्स्ट यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं जस्ट टेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे ऐड अ हेडिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजमेंट ठीक है एफ ए ई बुक एंड डॉलर का साइन लगा दिया मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैनेजमेंट तो इसका अगर फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं लाखों करोड़ों तादाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट हमारे पास पड़े हैं और अच्छे से अच्छे फ़ॉन्ट पड़े हैं आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है अपने की वक्त की ये जो चीज है आप लोग जहां पर रखना चाहें रख सकते हैं अगर आप लोग इंस्टाग्राम को कोई और कलर देना चाहें जस्ट इंस्टाग्राम को तो वो भी आप लोग अपने इंस्टाग्राम को दे सकते हैं देख सकते हैं आप लोगों ने ये कलर दिया या अगर आप लोग चाहें कोई और कलर देना तो वो भी आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे मैंने चूज किया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैनेजमेंट तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैनेजमेंट का मुझे लगता है सब सारे का कलर ही लाइट थ्रेड होना चाहिए क्योंकि अच्छा लग रहा है तो जस्ट जैसे ही हमारी पिक जो है वो डिजाइन हो चुकी है शेयर के आइकन पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ से डाउनलोड के आइकन पे मैं क्लिक कर दूंगी ये जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है और हमारे सामने जो इमेज है वो आ जाएगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैनेजमेंट टेक्स्ट के साथ ठीक है तो हमें जस्ट अप करना क्या है पिक हमारी बन चुकी है यहाँ पे हम जस्ट

और उसके बाद जस्ट आप लोग देख सकते हैं आप लोग की गीग गीग जो है यू आर ऑलमोस्ट देयर यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग अगर ये हम लोग आप लोग से पूछते हैं आर यू आर यू एस पर्सन तो आप लोग ने डेफिनेटली नो no पे क्लिक करना है अगर आप लोग यस पे क्लिक करते हैं तो बहुत ज्यादा पंगे शंगे पड़ जाते हैं तो इस वजह से आप लोगों को जस्ट नो पे क्लिक करना है क्योंकि तो हम लोग वैसे भी हम लोग नहीं है तो जस्ट आप लोगों को सेव आइकन से क्लिक कर देना है

पहली एक्टिव गिग है वो एक्टिव हो चुकी है ऑडियंस को शो होगी बायर्स को शो होगी अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप लोगों को अकाउंट को लाजमी यूज करेगा ठीक है यहाँ पे वो कह रहे हैं अपना जो आप लोग रेट है वो यहाँ से चूज करें तो मेरा ट्वेंटी डॉलर स्टार्टिंग प्राइस है तो मैं यहाँ पे यही चूज करूंगी आप लोग अपना स्टार्टिंग प्राइस हंड्रेड भी रख सकते हैं फाइव हंड्रेड भी रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो मेरी गिग है वो बन चुकी है इसका प्रीव्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि गिग जो क्या है वो बन के कैसी लग रही है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पैकेजेस हमारा टाइटल हमारी डिस्क्रिप्शन हर चीज बहुत अच्छी लग रही है और हमारा जो अकाउंट है सारा कुछ बन चुका है देखें जो चीज हमने एंटर किया है यहाँ पे आ रही है ठीक है तो <coughs> मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आप लोग किस तरह से फाइवर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फाइवर क्या है फाइवर को फाइबर क्यों कहा जाता है और फाइवर को किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं फ्री लासर आप लोग फ्री लासर होता क्या है इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि फाइवर का अकाउंट आप लोग कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को गाइड किया इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी क्योंकि मैंने आपको हर चीज बड़े खुल के बताई है हर चीज डीपली जाके हर चीज के बारे में आप लोगों को बताया है मैंने आप लोगों को बताया आप लोग फाइवे का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से आप लोगों को एक्टिवेशन लिंक आता है और आप लोग उस पर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बनाते हैं डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं इंग्लिश टाइटल्स वगैरह सारी चीजें ऐड करते हैं उसके बाद अपना नंबर वेरीफाइड करते हैं और फिर अपनी गिग बनाते हैं और गिग बनाने के बाद और एट लास्ट आप लोग इस काबिल हो जाते हैं कि आप लोगों का अकाउंट भी बन जाता है और आप लोग हर चीज़ बन अब यहाँ पे छोटी सी स्टोरी लाइन जो है वो आ, कहते हैं कि हम एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं बी योर जो हमने अपनी पिक बनाई है वही वाली हम यहाँ पे लिख देंगे बी योर विचुअल असिस्टेंट असिस्टेंट जस्ट ये एंटर करने के बाद यहाँ पे हम एंटर के आइकन पे क्लिक कर देंगे एंटर टेकिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं आपकी गिग बन चुकी है फाइवर हमें अलाउ करता है हम सेवन गिग्स बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक आपको बना के दिखाई है बाकी सिक्स आप लोग बनाए जो स्किल आप लोगों को आती है आप लोग वो यूज करते हुए अपनी वो स्किल को यहाँ पे प्रोवाइड करें और रनिंग स्टार्ट करें आई होप व्यूवर्स आप लोगों को आई होप के समझ आई होगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हर चीज बताई है कि आप लोग फाइबर को किस तरह से यूज कर सकते हैं मेरी काफी फ्रेंड्स थी जो कह रही थी कि फाइबर पर बताओ कि कैसे बना सकते हैं तो मैंने ज्यादातर ये जो वीडियो है उन्हीं को डेडिकेट की है उन्हीं के लिए बनाई है ताकि उनकी हेल्प हो सके ताकि वो भी स्टार्ट कर तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी और काइंडली मेरी इस वीडियो को लाजमी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इस तरह के और भी कोर्सेज अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आई एम विलिंगली मैं वो कोर्स बनाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को जस्ट मुझे बताना है नेक्स्ट कोर्स जो है वो कैनवा से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह कैनवा की हर चीज आप लोगों को बताई जाएगी कि आप लोग कैनवा की कैनवा को किस तरह से यूज करते हुए किस तरह से आप लोग स्किल्स वगैरह कैनवा से सीख के फाइबर पे आके सेल कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं व्यूअर्स आप आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत सी यू सून अल्लाह हाफीज